बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू फिजा क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं गुलाबपुर। तो अभी बज रहे हैं 6 और मैं 4 बजे की उठी हूँ। मैं हबी को उठा रही हूँ, उठ जाओ टाइम लगेगा, वहां पर पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे। और आज ही वहां पर हल्दी है तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, पर हबी ने भी लेट ही कर दिया है और अभी गाड़ी धो रहे हैं। अभी देखो 6 बज गए, कह रहे 6 बजे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है 6 बजे निकल जाएंगे। मैंने कहा 6 बजे तो नहीं निकल पाएंगे और अभी देखो कितनी देर लगती है निकलने। फिलहाल तो अभी वो गाड़ी धो रहे हैं, मैं दिखा। देखिए अभी धो रहे हैं गाड़ी। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम कितने बजे निकले हैं, 2 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गया था, कुछ काम पड़ गया था, इस चक्कर में फिर हम निकल नहीं पाए तो अब निकले हैं। तो अभी 2 बज रहे हैं, अब देखो कितने बजे पहुँचते हैं, सब कुछ दिखाते रहूंगी आपको, बस ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी है और हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हमारी गाड़ी में पड़ रही है CNG, ये देखिए। तो ये देखिए ये फर्स्ट टोल जो है पड़ चुका है। एक हाथ में मेहंदी लगा लूंगा, एक मेरा सुनने रह जाएगा, तो वही हुआ, मैंने इसमें तो लगा ली, अब इसमें जाके लगवाऊंगी वहीं पर ही आनंद से। तू ही दिल है मेरा, तू ही मेरा रब है, तेरी बाहों में बाहें। तो अभी फ्रेंड देखिए ये दूसरा टोल आ चुका है और हमारी गाड़ी में लगा है फास्ट कार्ड, इसलिए हमारी गाड़ी रुकती नहीं है, चलती चली जाती है। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैंने जल्दी जल्दी लगाई थी। फ्रेंड्स हम लोग टोल पे खड़े हुए हैं क्योंकि जो हमारा फास्टैग था ना उसमें रिचार्ज खत्म हो गया है और वो हम ये सोचे थे हैगा पर वो रिचार्ज खत्म हो गया, इसलिए अब रुके हुए हैं, अब रिचार्ज करवा रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे ये वाले टोल पे। ये तीसरा टोल है, ये चार्ज जो है हो चुका है और अब हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखो भट्टे कितने सारे हैं, एक तो देखो बोरा सामने है ना, एक इधर है और अभी आगे भी आए, यहाँ पे लग रहा है ईंटों का ही काम होता है सारा। पांचवा टोल और कितने टोल आएंगे, कितने टोल आएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड बहुत सारी पुलिस खड़ी थी जो कि घोड़े थे बहुत सारे उस पर बैठकर, मुझे लग रहा था यहाँ पे किसी का लग रहा स्वागत हो रहा था, कुछ फंक्शन था ऐसा लग रहा था और पता तो था नहीं कि क्या है, पर ये फंक्शन हो रहा था आगरा में। ज़्यादा भीड़ है यहाँ मेन सिटी में, मुझे लग रहा है ये बाजार लगा है आज, आप देख रहे हो कुछ कुछ शॉपिंग वगैरह भी यहाँ पर चल रही है और गाड़ी निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है जगह से क्योंकि यहाँ पूरी मार्केट है। ये देखिए आगरा की मार्केट देख लें आप। तो अभी हम लोग आगरा में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और बहुत अच्छी मार्केट भी थी, काफ़ी अच्छे मतलब डेकोरेशन वगैरह भी हुई हुई थी और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि पता है रास्ते में मुझे लग रहा था आज इस टाइम पे बाज़ार था, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। फिलहाल हम थोड़ा ही से ही दूर रह गया था तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। 2000 years later. तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मिठाई की शॉप थी तो अभी हमें यहाँ से मिठाई लेनी है और अभी हमने फ़ोन कर दिया है अब्बू को, तो नदीम और मामू हम लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ से मिठाई। नदीम ब्लॉगर एक एक इधर ये आसिफ भाई भी आए हैं, ये हम लोगों को लेने के लिए आए, मामू भी खड़े हैं अभी वो दिखाएंगे और ये कह रहे हैं फालूदा खाएंगे हम, तो पहले फालूदा ले रहे हैं फिर जाएंगे। ये देखो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, इधर ये दोनों अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं, इधर ये खाने में बिजी है, आइए उधर आ जा कि कहाँ पे हाथ कहाँ धुल रहे हैं, अच्छे यहाँ पे पार्टी में धुल रहे हैं हाथ। Oh, oh, oh.
Yeah.
बच्चा देखो अरे खाले की लड़की है ना, खाले की लड़की है ना, कौन ये कह रही है मेरे मेहंदी लगाओ पिया कर गया ना चले वादिन गजा भैया होली और गजा भैया डांस कब अरे मोटीलाल भाई जी कहां चले गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सारा चढ़ाव रखा था जो कि कपड़े और जेवर वगैरह लहंगा ये सब कुछ जाया जाता है हमारी मामी के लिए जाएगा तो ये सब दिखा रहे थे तो मैंने वीडियो बना लिया और बहुत ही अच्छा चढ़ाव था माशाल्लाह सब चीज़ बहुत अच्छी थी और मुझे सबसे प्यारा लहंगा लग रहा था। वैसे सब कुछ अच्छा था पर मुझे लहंगा बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह बहुत अच्छा था और इसकी जो लटकन थी ना ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। दूल्हा की दुल्हनिया लटकन अच्छी लग रही है। देखिए चाय बांट रहे हैं, चाय ले लीजिए। अरे ले ये कैसी चाय है मामू, ये कैसी चाय पिला रहे हो? काली चाय, काली चाय पी लो। खा लो ब्लैक टी पी लो, ब्लैक टी है ब्लैक टी। ये देखो और ये दे रहे हैं मामू बैंड बाजे वाले, ये ढोलक वाला है बजाना तो इधर आके बजा अंधेरे में बजाना तू। मैं कपड़े लेने जा रही हूँ और मेरे साथ पूरी पलटन जा रही है कपड़े लेने के लिए साथ में, मजा तो जब ही आता सब लोग जाते हैं है ना। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ और दो चार दवाई। और यहाँ सभी लोग लगवा रहे थे मेहंदी तो अब्बू भी कहने लगे हमारे मेहंदी लगा दो अम्मी से, तो अभी अम्मी यहीं पर ही मेहंदी लगा रही है अब्बू के हाथों में। के 2 बज रहे हैं हम लोगों, किसी को नींद नहीं आ रही, नदीम तब भी सो गया है और इधर देखो ये सब की बातें चल रही है, इधर ये सब बैठे हैं। दिस इज माय रिंग, कैसी लग रही है? अरे मेरी भी तो ऐसी ही है, मैं तो सिंपल ही लेके आई थी ये खा लगे। अरे मेहंदी लगाई थी ना तो नीने मेरे भी ऐसी है, मैं भी ऐसी मैं सूट गया। मामू जिनकी शादी है वो बेचारे सो गए, थक गए हमारे मामू तो यहाँ पर तो सभी सो चुके और हम भी सोने के लिए जा रहे हैं। बस नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जाके, बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।